तो दोस्तों, मैं और एसलिन जी शहर में हमेशा जाते थे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो शहर। पूरा देखना वीडियो, आपको समझ आएगा, क्योंकि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें काफ़ी बारी हम उधर गए हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, नमस्ते, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और आज हम लेकर आए हैं गन्नौर का व्लॉग। आज हम आपको दिखाएंगे गन्नौर सिटी। और दोस्तों, अभी हम बैठे हैं गन्नौर के रेलवे स्टेशन पर। उधर दिल्ली है 60 किलोमीटर और दूसरी तरफ पानीपत है 30 किलोमीटर। उधर से आप ट्रेन पकड़ कर इधर आ सकते हैं और उधर से भी आप ट्रेन पकड़ कर इधर पहुँच सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकर चलते हैं आपको अभी शहर में। यहाँ से सीधे सड़क जाती है शहर की तरफ और दिखाएंगे आपको यहाँ पर क्या है खास, क्या है स्पेशल, क्या खाने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, चलते हैं। तो ये है गन्नौर की वो सड़क जो रेलवे स्टेशन से सीधे जिट रोड की तरफ जाती है। और यहाँ पर आपको फलों की बिक्री करने वाले विक्रेता मिलेंगे। यहाँ पर आम, केले, सेब, तरबूज, जो आपका मन करे वो खरीद सकते हैं। और फल यहाँ पर काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो ये शिव पार्क के साथ में है, इसे शिव मंदिर भी कहा जाता है। आपको शिव मंदिर भी दिखाते हैं एक बारी। चलिए नई सब्जी मंडी की तरफ भी चलते हैं, जहाँ बिकती हैं सब्जियाँ और फल। समना समना ये है गन्नौर का सबसे प्रसिद्ध चौक, देवीलाल चौक, जिसे पहले नमस्ते चौक भी कहा जाता था। यहाँ से एक रास्ता ये दाईं तरफ गोहाना की तरफ चला जाता है और एक रास्ता मंडी के अंदर। और अभी हम सोनीपत की तहसील में हैं, तो तहसील के अंदर के भी आपको दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पर लगी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद की एक प्रतिमा, जो उनके सम्मान में लगाई गई है। तो ये गन्नौर के लिए बड़े गर्व की बात है। तो ये है जी इतनी बड़ी खाट, और इस खाट पर बैठ कर हम आपको बताएंगे कि गन्नौर में खाने के लिए कौन सी अच्छी जगह हैं। अब गन्नौर में आए हो तो भाई भूख भी लगेगी, तो ये कुछ जगह हैं जो खाने के लिए बिल्कुल अच्छी हैं और सस्ती हैं। तो अभी हम खड़े हैं जिट रोड पर, और गन्नौर जिट रोड का जो एरिया है उस तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ पानीपत, जो आपको पता है। रेलवे स्टेशन से भी वही रास्ता है और जिट रोड से भी वही रास्ता है। और हमारे पीछे है ये जैन मंदिर। ये यहाँ पर जब आप आएँ तो बिल्कुल जिट रोड के ऊपर है ये मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है गन्नौर का। यहाँ आप आएँ तो यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके आगे ही बस स्टैंड है, हम आपको बस स्टैंड दिखाते हैं। आप दिल्ली से आएंगे कश्मीरी गेट से, तो कश्मीरी गेट से सीधे गन्नौर बस स्टैंड पर उतरेंगे। यहाँ लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है, 70 मैंने ज़्यादा बोल दिया, आसपास 60 किलोमीटर की दूरी है। और किराया लगता है तकरीबन 75 रुपये, और ट्रेन में जो आपका किराया लगता है वो होता है लगभग 40 रुपये के आसपास। तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र जब आप जाएंगे तो यहाँ पर उतर कर कुछ चीज़ों का आनंद ले सकते हैं।
और जीटी रोड फेमस है ढाबों के लिए, तो गन्नौर के आसपास काफी फेमस ढाबे भी हैं और नॉर्मल ढाबे भी हैं, ट्रक वाले ढाबे भी हैं, लेकिन अभी हम चल रहे हैं आपको लेकर सबसे फेमस ढाबे पर। यहाँ पर जब आप गन्नौर में आते हैं तो अगर खाने के लिए आप अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए तो आप आइए चौकी ढाणी में। यहाँ बिल्कुल गन्नौर से 1 किलोमीटर आगे चौकी ढाणी है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ जगह हैं। अगर गन्नौर में आप सस्ती चीज़ें ढूंढ रहे हो खाने के लिए तो मैं आपको कुछ रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वो रेस्टोरेंट से मतलब वहाँ पर आपको अच्छा खाना मिलेगा, चीप खाना मिलेगा। आप गन्नौर में गोलगप्पे खा सकते हो, जलेबी ट्राई कर सकते हो, गन्ने का जूस पी सकते हो, फल खरीद सकते हो, इसके अलावा कुछ शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर खाने के लिए बीकानेर की दुकान भी उपलब्ध है जहाँ पर आप मिठाइयाँ ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, कोई बड़े होटल तो नहीं है, लेकिन ठहरने के आपको 700-800 रुपये में एक रात अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो इतने मिल जाएगी। और चौकी ढाणी है यहाँ पर, जो राजस्थानी कल्चर है उसको दिखाया गया है, आप यहाँ पर आकर अपने बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हैं। तो गन्नौर शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है अगर आप एक बारी ऐसी जगह को देखना चाहें जो एक स्मॉल टाउन है। हेलो, तो अगर आपको रुकना हो तो गन्नौर में इससे अच्छी जगह तो आपको नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल एक टेंटिंग टाइप में रूम बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे रूम हैं, एसी रूम है, आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से। थैंक यू सर। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा बेड है, आपको टीवी मिलेगा और ऊपर आपको फील आएगा कि आप बाहर कहीं रुके हुए हो। बड़े हाइजीन काफ़ी मेंटेन है और बाथरूम, बेशक आप यहाँ सो जाएं, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन है। अगर आप हवेली जाना चाहें तो गन्नौर से कुछ दूरी पर ही हवेली है, मन्नत हवेली। ये बिल्कुल सुखदेव ढाबा के बराबर में है क्योंकि यहाँ से मुरतल थोड़ी दूरी पर है। गन्नौर एक विधानसभा है, तो दोस्तों आपको यहाँ की विधायक का घर भी दिखाते हैं जहाँ पर वो लोगों से मिलती हैं और उनकी समस्याओं को सुनती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे किसी प्लेस को दिखाने के लिए, देखने के लिए। तो कई बार हम किसी जगह पर आ जाते हैं और हम सोचकर कुछ आते हैं, हमें मिलता कुछ है वहाँ पर, तो हमारी कोशिश रहेगी एग्जैक्ट प्लेसेज आप लोगों को दिखाने का और अमेजिंग प्लेसेज आपके लिए लाने का। यहाँ से आसपास कुछ और प्लेसेज हैं जो ऐतिहासिक प्लेसेज हैं यहाँ पर, जो हिस्टोरिकल जिनका महत्व है, तो वो कुछ 5,000 साल पुराने हैं, कुछ 7,000-10,000 साल पुराने हैं, तो उन प्लेसेज को दिखाएंगे, उनकी स्टोरीज बताएंगे। वो गन्नौर के आसपास ही हैं, तो पहले गन्नौर को एक्सप्लोर करेंगे, फिर हरियाणा को एक्सप्लोर करेंगे, फिर इंडिया को, फिर वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में, खुश रहें, आबाद रहें।